प्रदेश की अनाज मंडियों में रबी की फसलों की आवक तेज हो गई है। उठान प्रक्रिया धीमी होने के कारण मंडियां फसल से फुल हो गई हैं। रेवाड़ी के अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद प्रक्रिया न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी है। अनाज मंडी के तीनों फल रबी की फसलों में भरे पड़े हैं। हालांकि 22 अप्रैल तक खराब मौसम की भविष्यवाणी की गई है। बावजूद इसके उठान प्रक्रिया धीमी होने के कारण मंडी में फसल रखने के लिए जगह नहीं बची है। ऐसे में अगर बारिश या ओलावृष्टि हो जाती है तो किसानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आरती अंजुल गुप्ता का कहना है कि मंडी में गेहूं और सरसों की आवक ठीक हो रही है, लेकिन सरकारी खरीद कम हो रही है, जबकि रिजेक्ट ज्यादा की जा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि लस्टर लॉस के साथ खरीद मापदंड में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। खरीद मापदंडों में थोड़ी ढील देते हुए सरसों की खरीद में तेजी लाई जानी चाहिए। मार्केट कमेटी के सचिव नरेंद्र यादव की माने तो अभी तक रेवाड़ी की तीनों अनाज मंडियों में 1,13,760 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है। उठान का कार्य भी 90% तक पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा 46,230 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, जिनमें से 25,000 क्विंटल यानी 50,000 कट्टों का उठान हो चुका है। उठान की प्रक्रिया जारी है। खरीद एजेंसियों की उठान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फिलहाल 2-3 दिन तक मौसम खराब की भविष्यवाणी की हुई है, इसलिए मौसम को देखते हुए किसान मंडी में अपनी फसल लेकर आए। अभी तक मंडी में फसल की आवक सही हो रही है, आगे इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मंडी में आने वाले किसानों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। किसान भवन में किसानों के बैठने, ठहरने, पीने के पानी, शौचालय तथा किसान कैंटीन में खाने पीने आदि की व्यवस्था की गई है। खबर नवा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से विशाल पुरी की रिपोर्ट। ठीक है, वो कबर की मेरे कबर को रेट 5,000 से नीचे रेट चल रहा है। एमएसपी पर नहीं आ रही कोई भी नमी बता रहे हैं अभी भी। हाँ, मंडी में सामान सरसों उठ रही है ना? उठ रही ना, सामान पड़े दे लो सारा कट्टा बिल सरसों में दे लो पड़े, और बारिश आ जाएगी तो खराब हो जाएगी। हाँ, बारिश बता रहा अच्छी है। हाँ, सारी बारिश हो जाएगी, बार बारिश हो जाओ तिरपाल भी ना है ढकन। हाँ, कम है अराइवल तो काफ़ी कम है जी। गेहूँ की भी और सरसों की बिठवाना मंडी ले रही है सरकार, सरसों ले कम रही है सरकार, रिजेक्ट ज़्यादा कर रही है, इससे किसान काफ़ी परेशान हो रहा है। अप्रोक्सीमेट मैं आपको अगर आइडिया दूँ तो 500 ट्रैक्टर आते हैं तो मुश्किल से उसमें से 40-50 ट्रैक्टर पास होते हैं, 450 वापस ही जाते हैं। तो या तो इसमें सरकार को कुछ अपना मापदंड में बदलाव करके जमींदार की सरसों तरीके से ढंग से लेनी चाहिए, जिससे कि किसान परेशान ना हो। ये जो बारिश की वजह से सरसों में थोड़ा बहुत कार्बन आ गया था, एक आज मिस गई हो, बहुत जल्द खा ली, उस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं। अब उसमें तो ना कोई सरकार की गलती है तो किसान की भी कोई गलती नहीं है। गेहूँ तो सरकार सही ढंग से ले रही है और सही ढंग से उसकी लिफ्टिंग हो रही है, सिर्फ गेहूँ की तो पेमेंट नहीं हो पा रही है जमींदारों की। 8 तारीख की पेमेंट भी आज तक नहीं लड़ पाई है किसान। तो सरकार दावा तो करती है लेकिन आज तक 8 तारीख की पेमेंट भी, वीट की पेमेंट सरकार नहीं कर पाई है किसानों। लिफ्टिंग ठीक चल रही है, बाकी परचेसिंग ठीक कर रही है, गेहूँ के अंदर कोई सरकार की कोई कोताही नहीं है कि प्रशासन का, लेकिन बस इसमें तो सिर्फ इनका पेमेंट का ही नहीं हो रहा है अभी शेड्यूल सही। देखो गेहूँ मंडी में अभी कम रहा है, बहुत कम आ रहा है, और अगर मौसम खराब रहा तो इतना भी नहीं आएगा जितना आ रहा है। बाकी आढ़तियों ने भी अपने तिरपाल वगैरह सब तैयार कर रखे हैं। मस्टर्ड की बात करते हैं पहले तो, मस्टर्ड जो है 1,13,760 क्विंटल अभी तक गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के दोनों मंडियों की टोटल आवा भी है। इसमें रेवाड़ी की जो है 1,05,900 क्विंटल और बावल की 7,840 क्विंटल आ रही है। इसमें गवर्नमेंट की जो है वो टोटल अराइवल हुई है 22,166, जिसमें 14,400 बिठवाना मंडी रेवाड़ी और
7840 बावन। गेहूँ की टोटल जो है 46230 क्विंटल हुई है, इसमें गवर्नमेंट 37422 और प्राइवेट जो है 8800 क्विंटल। लिफ्टिंग जो है स्पीड अप हो गई है, दोनों एजेंसी को हिदायत दे दी गई है कि मौसम ख़राब है तो लिफ्टिंग में उठान में थोड़ा और तेज़ी लाएँ। ऐसे मैंने भी मंडी में राउंड लिया है तो लिफ्टिंग का काम काफ़ी स्पीड से आज चला हुआ है, किसी प्रकार की लिफ्टिंग की कोई समस्या नहीं आने दी जाए। फार्मर से यही अपील है कि जब तक मौसम 2-3 दिन की जो फोरकास्टिंग की गई है कि मौसम ख़राब है तो उसको ध्यान में रखते हुए किसान जो है मंडी में आए। अगर मौसम अचानक ख़राब होता है तो वो अपने माल को ना लेकर आए, ये हिदायत है मेरी उनसे।